अभी तो शुरुआत हुई है मेरे ख्याल से, जब सीज़न थोड़ा एक दो महीने चले आते हैं तब ज़्यादा जितना अपने माइंड पे आप कंट्रोल रख सकें मेरे ख्याल से वो गेम में, दैट्स इट्स बेसिकली टेस्टिंग। भाई अगर बात करें बिग बॉस 15 की, थोड़ा बहुत फॉलो कर रहे होंगे या ज़्यादा फॉलो कर रहे हो? नहीं किया यार, फॉलो नहीं किया। या कोई ना कोई आपके जान पहचान की जो तो जय जा रहा है, जिस विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट है। सो वेरी वेरी डिफिकल्ट शो है, बहुत मुश्किल शो है करना, बहुत ही मतलब बिल्कुल भी आसान नहीं है। तो जितने भी कंटेस्टेंट वहाँ पर है, जिस विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट, अपना अपना दिमाग ठंडा रखें और आराम से काम करें, नहीं सबसे बेस्ट नहीं मिलो। सर मतलब आपने एक आधी क्लिप जरूर देखी, इसीलिए आप कह रहे हो कि शांत होकर खेलना चाहिए। अभी की नहीं देखी, इतने सालों में जो आई है वो जो सारी क्लिप देखी उसके ऊपर से ही बता रहा हूँ कि आई थिंक जितना अपने माइंड पे आप कंट्रोल रख सकें मेरे ख्याल से वो गेम में, दैट्स इट्स बेसिकली टेस्टिंग यू। सो विश ऑल द कंटेस्टेंट्स ऑल द वेरी बेस्ट। जैसे कि अभी करण सर गए अंदर, करण कुंदर जी हैं, जय भानुशाली जी हैं, शमिता शेट्टी जी हैं, तो क्या कुछ लग रहा है जो? अभी तो शुरुआत हुई है मेरे ख्याल से, जब सीज़न थोड़ा एक दो महीने चले आते हैं तब ज़्यादा यू नो इट गेट्स डिफिकल्ट फॉर ऑल ऑफ देम, और तभी वो सारा माल मसाला मिलता है, आप सभी लोगों को देखने के लिए भी शायद ज़्यादा मज़ा आता है। तो लेट्स होप या बट इट्स वेरी डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल। थैंक यू सर, थैंक यू, बाय बाय।